गाइस, तो इस टाइम हम घर से निकल चुके थे, तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने इस टाइम। तो देखो आप, ये रहे हम। मैंने रेड सूट पहना था क्योंकि मुझे मन कर रहा था ऐसे रेडी होने का, क्योंकि मैं बाकी क्लास वगैरह जाती तो नॉर्मली रेडी होती हूँ, इसलिए मैंने बिंदी वगैरह सब लगाई थी। तो आप लोगों को बहुत कम दिखता होगा मुझे इतना मेकअप में। हेलो गाइस, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि अब तो ब्लॉग ही ब्लॉग आएंगे, धमाल वाले ब्लॉग आएंगे। कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं बूटी माता दर्शन करने के लिए। ये देखो चीकू, लड्डू हाय करो। अभी चलेंगे कार में, हाय करो। तो हमारे साथ है भैया और लड्डू, चीकू और मेरे हस्बैंड हैं। पकड़ के ही हम लोग जा रहे हैं बूढ़ी माता दर्शन करने के लिए, आपको भी दिखाएंगे। काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, माता का बुलावा आया है आज, मैडम बकवास मत कर, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मेरे को ना चलो नहीं खाना। तो गाइस, इस टाइम हम पहुंच चुके थे बूढ़ी माता। बूढ़ी माता पे लाइन ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। 5-10 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। ये देखो कितने पास लाइन है हमारी। अच्छा लगता है यहाँ पर आके, मन शांत होता है बहुत। मैं इस टाइम पूजा कर रही थी। सब पहले तो हमने सबसे पहले बूढ़ी माता जी को करा, फिर यहाँ पर बाकी थे उनको करा, फिर मेरी गोद में प्रसाद वगैरह दिया। यहाँ पे हर बारी आओ तो गोद भरती है यहाँ पर, और जो मांगो पूरी होती है। बहुत बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आके सबको। ये भोलेनाथ जी थे वहाँ पे, मैं इनको प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी। भोलेनाथ जी तो हर जगह रहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर थे। फिर हमने प्रसाद खाने के लिए नीचे गए। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग ऐसा होता है कि प्रसाद खाते हैं, तो हम आए वहाँ से सारे दिन बैठ के प्रसाद खाए। भैया चले गए थे छोले लेने, इसलिए भैया कैप्चर नहीं है वीडियो में, इसलिए। पर कोई बात नहीं, भैया के हाथ में फ़ोटो वगैरह ली थी। फिर हम घर आके निकले थे शॉपिंग के लिए। हम गांधी नगर पहुँच चुके थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग कर हम गए थे अब शॉपिंग करने चांदनी चौक। क्यों गए थे ये अभी नहीं बताएंगे, इधर दिखाएंगे। बहुत सारी शॉपिंग करी हमने। तो गए, सारी शॉपिंग वगैरह भी हो गई और माता रानी के दर्शन भी हमने कर लिए, कंप्लीट भी हो गई। बहुत मज़ा आया था हमें दर्शन करने के टाइम, क्योंकि जब हम पहुँचे तो हमें मंदिर भी खाली मिली, ज़्यादा भीड़ नहीं। कम से कम 5 मिनट में दर्शन कर लिया था हमने। चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं एड। बाय गाइस, लव यू, टाटा। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ।